गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज 4.1 कंटिन्यू द लेट सी द क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। सी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है बेटा। फर्स्ट इज क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ एम एन। एम एन ये लाइन है, इसके ऊपर क्यू एम ओ एन पी, क्यू एम ओ, क्यू एम ओ एन पी पॉइंट्स है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज एम ओ एन आर पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट एम एन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। तो एम ओ एन, एम ओ एंड एन, थ्री पॉइंट्स है, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। एम एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी। ओ एंड एन, ओ एंड एन ये दोनों जो पॉइंट है एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओ पी, ओ पी यहाँ पे ये फिगर ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ओ एन एन पी। और एन थोड़ा है बेटा लाइन सेगमेंट के पॉइंट, लाइन सेगमेंट का पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, सो स्टार्टिंग पॉइंट इज ओ एंड एंडिंग पॉइंट इज पी, तो यहाँ पे ओ और पी होना चाहिए ना, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, एम ये रहा, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट थोड़ा है बेटा, एंड पॉइंट तो क्यू है ना, लाइन सेगमेंट क्यू ओ, ये फिगर ऐसे ड्रॉ हो रहा है क्यू क्यू एम एंड ओ। तो एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट, लेकिन एंड पॉइंट इज क्यू, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4.2 कर्व्स। द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द पॉइंट्स इन एनी एंड एवरी डायरेक्शन। कर्व क्या होता है? जो एवरी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं उनको, ये हो गया कर्व हो रहा है, ये हो गया, इसको एवरी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट कर्व टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज ओपन कर्व एंड सेकेंड इज क्लोज्ड। ओपन कर्व, एन ओपन कर्व डज नॉट इनक्लोज एनी एरिया, मीन्स ये देखो ये प्रॉपर एरिया नहीं बना रहा है ना, यहाँ से ये ओपन हो रहा है, तो ये ओपन कर्व। एंड क्लोज्ड कर्व, अ क्लोज्ड कर्व हैज नो एंड पॉइंट्स एंड इफ इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एनी ओपन कर्व्स, मीन्स ट्राइंगल। ये क्या है? क्लोज्ड, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से हम इसमें सेंटर जा सकते हैं क्या? तो ये कौन सा है? क्लोज्ड। सपोज रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर क्लोज्ड कर्व है। ओके, नेक्स्ट इज पॉलीगॉन्स। द फिगर विच इज द इंटीरियर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स की कंडीशन क्या होती है बेटा? फर्स्ट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ओके, लाइक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, लाइक ए बी सी एंड डी, सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा और लाइन सेगमेंट होगा ए और बी, मींस स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स्ड होंगे, ए एंड डी ये पॉइंट है फिक्स्ड है,
जितने भी उसमें पॉइंट्स होंगे दोनों वो क्या होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे। सो पॉलीगॉन्स की कंडीशन हो गई, द फिगर विच इज इंटीरियर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन्स। एक्सरसाइज 4.2, क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व एज फर्स्ट इज ओपन कर्व एंड सेकेंड इज क्लोज कर्व। फर्स्ट फिगर इज जेड, तो बेटा जेड इज ओपन कर्व ना, यहाँ से ये ओपन है ना, तो ओपन कर्व। सेकेंड फिगर इज यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ से ये पूरा एरिया कवर कर रहा है तो ये क्लोज्ड। थर्ड फिगर इज ये देखो, ये पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा है, ओपन है यहाँ से तो ओपन कर। फोर्थ इज ट्राइंगल, ऑब्वियसली क्लोज्ड। फिफ्थ इज क्लोज्ड, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग ओपन कर्व। रफ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो बेटा, लाइक ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, पैरेललोग्राम कर लो, या ये पॉलीगॉन ड्रॉ कर दो, ए बी सी एंड डी, या ये वाला ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट इज ड्रॉ एनी पॉलीगॉन्स एंड शेड इट्स इंटीरियर। ड्रॉ एनी पॉलीगॉन एंड शेड इट इट्स इंटीरियर। पॉलीगॉन की कंडीशन क्या होती है, इंटीरियर जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, तो ड्रॉ पॉलीगॉन, ए बी सी डी इज ए पॉलीगॉन एंड शेडेड। शेडेड मीन्स इंटीरियर पार्ट को शेडेड करना है, जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको शेडेड करना है। सो डायग्राम आपको बेटा ज्योमेट्री की नोटबुक में जो ब्लैंक पेपर होता है उसके ऊपर ड्रॉ करने हैं, और उसका जो आंसर होगा वो लाइनिंग वाले पेपर पे आप लिखोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।